जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। शीतलहर के कारण पूरा उत्तर भारत सर्द हवाओं से कांपने को मजबूर है। हिमाचल प्रदेश में रात भर से चल रही बर्फबारी से प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। वहीं बुधवार सुबह दिल्ली NCR के साथ ही उत्तर भारत में बारिश भी हुई। शिमला में अब तक करीब 20 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं जाखू में करीब 30 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से कई क्षेत्रों में बिजली भी गुल हो गई, साथ ही पानी की किल्लत भी शुरू हो गई। वहीं बर्फबारी के कारण कांगड़ा जिले की मुल्तान तहसील का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। उत्तर भारत के कई शहरों में भी घने कोहरे के कारण रेलवे प्रभावित रहा। इसमें कई ट्रेनें देरी से पहुंची तो कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले और बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।